एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो इन द प्रीवियस वीडियो हम लोगों ने डिस्कस करा था कि फिगर्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं और उसके कुछ एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस किया था, कुछ टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था। मूविंग अहेड, आज के इस वीडियो में हम लोग एग्जांपल डिस्कस करने वाले हैं ऑन द ईच टॉपिक। सो आप सभी इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल ऑफ सिमिली। तो आप लिख सकते हो, वाइल ऑल ऑफ अस वर पैनिकिंग जस्ट बिफोर बोर्ड एग्जामिनेशन रिजल्ट्स, उत्कर्ष वाज एज कूल एज कुकुम्बर। एज कूल एज कुकुम्बर का मतलब एकदम चिल था वो। नेक्स्ट हम लिख सकते हैं, डोंट ट्रस्ट हिज वर्ड्स, ही इज कनिंग एज अ फॉक्स, यानी कि ये बहुत चालाक है, बहुत शातिर है फॉक्स की तरह। थर्ड हम लिख सकते हैं, माई मदर इज़ एज बिजी एज बी इन द मॉर्निंग, यानी कि मेरी मम्मी जो है, मेरी जो मदर है, सुबह के टाइम में बहुत ज़्यादा बिजी रहती है। फोर्थ हम लिख सकते हैं, शी लव्ड विजिटिंग द लेक हाई अप इन द माउंटेन्स हुज वाटर वाज एज क्लियर एज क्रिस्टल, यानी कि क्लियर एज क्रिस्टल मतलब बहुत ही ज़्यादा साफ पानी होता है। नेक्स्ट है हमारा, वाइल फाइटिंग वार इंडियन आर्मी वाज एज ब्रेव एज लायन, यानी कि शेर कितना बहादुर होता है उसी तरीके से इंडियन आर्मी भी बहादुर होकर के वार किया। अब हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ मेटाफोर। तो हिज वर्ड्स कट डीपर देन अ नाइफ, देखिए शब्द जो है हमें जो कट करता है वो उसके वर्ड से हमें बुरा लगता है, तो बहुत ज़्यादा बुरा लगने को कट और कह देंगे हम, डीपर कट विद द नाइफ कंपेयर कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं, समवन हैज सेड समथिंग हर्टफुल टू अनदर, राइट। हिज वर्ड कट डीपर देन अ नाइफ का अर्थ होता है, समवन हैज सेड समथिंग हर्टफुल टू अनदर। नाउ द नेक्स्ट थिंग, ही इज़ एप्पल ऑफ माई आई, यानी कि आँखों का तारा होना। हम लोग हिंदी में मुहावरा पढ़े हैं, आँखों का तारा होना, सेम एज इन हिंदी, इन इंग्लिश ऑल्सो ही इज़ एप्पल ऑफ माई आई मीन्स द एप्पल इज समवन्स हेड डियर। होप इज़ ऑन द होरिजन मीन्स गुड थिंग्स आर इन वंस फ्यूचर, यानी कि जो अच्छी चीज़ें होती हैं हर किसी के ज़िंदगी में, हर किसी के फ्यूचर में होती हैं। शी हैज़ सच अ बबली पर्सनैलिटी, बबली पर्सनैलिटी मीन्स चीयरफुल पर्सन, जो बहुत ज़्यादा खुश रहता हो। आई एम फीलिंग ब्लू, आई एम फीलिंग ब्लू मीन्स आई एम फीलिंग सैड और अपसेट। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मेटाफोर। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ होमोनिम्स विच विल हेल्प इन योर एग्जामिनेशन एंड इम्प्रूविंग योर नॉलेज ऑल्सो। सो होमोनिम्स में हम लिखेंगे बैंड। बैंड कितने तरीके, बैंड में होगा कि एक म्यूजिकल ग्रुप बैंड होता है और एक बैंड को हम लोग रिंग भी बोलते हैं, जो अपने बालों में हम लगाते हैं, हेयर बैंड है ना। और एक बैंड होता है वो BTS बैंड वाला। फिर आता है बैट, बैट होता है तो हम लोग जैसे बैट बॉल खेल रहे होते हैं, क्रिकेट खेल रहे होते हैं, फिर बैट एक